नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं देश विदेश व राज्य की अब तक की 10 प्रमुख खबरें। राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब। देश अब बाबा साहेब का विरोध सुनने को तैयार नहीं, संविधान दिवस के मौके पर सांसद के सेंट्रल हॉल में बोले पीएम मोदी। राजधानी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, लेक्जोरा सोसाइटी में आईटी की दबिश, खंगाले जा रहे लैपटॉप और कंप्यूटर। बीजापुर में सहायक आरक्षक की धारदार हथियार से हत्या, घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी ढेर, हथियार और अन्य सामान बरामद। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल, एमपीसीजी आयकर विभाग के नए डीजी होंगे हरेश्वर शर्मा। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, रायपुर से त्रिवेंद्रम की नई फ्लाइट 1 दिसंबर से, काफी समय से की जा रही थी मांग। अवैध रेत खनन मामले में ठेकेदार पर लगाया 23 करोड़ से अधिक का जुर्माना। जैसलमेर में हिरासत में लिया गया संदिग्ध, सीमा पार आईएसआई को भेज रहा था सेना की जानकारी। पाकिस्तान के हथियारों की भूख बरकरार, सतह से सतह तक मार करने वाली ब्लास्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।